कुमार प्रियदर्शी है और मैं पेशे से जो है ना बिजनेसमैन हूँ और बहुजन समाज पार्टी को काम भी करता हूँ। हम लोग सोनजयंती नगर में ये 96 सोनजयंती नगर LIG में रहते हैं। ये घटना कल मतलब आज रात दिनांक 27/4/2019 की है। करीब रात के 12:15 पर जो है ना मेरी गाड़ी में कुछ असामाजिक तत्वों ने जो कि एक स्कूटर एक्टिवा पर बैठ के आए, दो लड़के थे, उन्होंने आकर के मेरी गाड़ी में जो है ना ईंट से शीशा को तोड़ा है। और उसके बाद एक आगे अशोक चौधरी रहते हैं उनकी गाड़ी, एक ललित जी और रहते हैं उनकी गाड़ी, एक बैगनार, तीन गाड़ियां हमारे क्षेत्र में जोड़ी और शायद एक हमारे श्री पंडित जी अशोक भाई जी की गाड़ी भी बैगनार को तोड़ा है जो बाद में बांधी। मैंने 100 नंबर पर कंप्लेंट की, 100 नंबर से वहां से पुलिस आई, पुलिस वाले अपनी इंक्वायरी करके ले गए और ये घटना काफी कहना चाहिए कि किसी सिरफिरे व्यक्ति की लगती है। ऐसे सामान्य तत्व जो आजकल आए दिन कोई ना कोई वारदात करते रहते हैं, अभी 10-15 दिन पहले भी इन्होंने तीन गाड़ियों को तोड़ा है, जिसमें एक बीजेपी के नेता है गुप्ता जी, उनकी गाड़ी स्कॉर्पियो प्लस एक बॉलरनो गाड़ी है ADA में कृपाल सिंह यादव, उनकी गाड़ी को भी तोड़ा सीधा। इसके अलावा चौधरी महेंद्र सिंह बराबर में मकान, उनकी गाड़ी का पहले बैग सीधा तोड़ा। तो मेरा प्रशासन से और यहाँ के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनसे अनुरोध है कि थोड़ा सतर्क रहें। और ये घटना है क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम, सभी लोग अपने अपने घरों में अंदर सो रहे हैं, बाहर की ये जरा थोड़ा कम ही ध्यान रख पाते हैं। क्या ये असामाजिक तत्व कहीं CCTV कैमरे में क्या दूर? हाँ, ये असामाजिक तत्व मेरे CCTV कैमरे जो लगे हुए हैं मेरे घर पे गलियों में, गली मेरे घर पे लगे हुए जो चारों तीनों गलियों को कवर करते हैं, उसमें ये रिकॉर्ड हुआ है CCTV कैमरों में, जिसको पुलिस को भी दिखाया गया है और फुटेज भी मेरे पास है। और इससे पूर्व भी ये अपाचे गाड़ी से आए थे, जिसके बारे में मैंने पुलिस को बताया था कि इस किशनपुर में 2 अपाचे गाड़ियां हैं व्हाइट कलर की, लेकिन पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया इस बात पर। तो आज ये घटना फिर अब जैसे डायलेंडर और सूचना दी थी, डायलेंडर तो आ गई, क्या थाना पुलिस भी अब तक आई? नहीं आई थाना पुलिस अब तक नहीं आई, नहीं आई थी, सॉरी थाना पुलिस आई थी, दरवाजे आई थी, वो हमसे बोले थे कि देखते हैं कराते हैं और चौकी इंचार्ज भेजेंगे। मैंने चौकी इंचार्ज को ही फोन किया लेकिन चौकी इंचार्ज भी शायद वो नहीं आ पाया।